हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। और हमारी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग प्ले कर सकते हैं 150 से भी ज़्यादा कंसोल्स गेम्स बिना उन्हें परचेस किए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज की इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोग प्ले कर पाएंगे 150 से भी ज़्यादा एक्सबॉक्स के गेम्स बिना उन सभी गेम्स को परचेस किए। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक्सबॉक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंसोल है, वहाँ पर आप लोगों को 150 से भी ज़्यादा खतरनाक गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गियर 5 जैसी पॉपुलर सीरीज़, या फिर दोस्तों सी ऑफ थीव्स और हम सभी का फेवरेट फॉर्जा हॉरिज़न 4। सो अगर आप सभी इन गेम्स को खेलना चाहती है तो वीडियो के साथ में बने रहिए एंड तक। साथ ही साथ इस वीडियो को कीजिएगा एक लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि वो सारी सारी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए बिना कंसोल्स को खरीदे उन सभी गेम्स को प्ले करने की जो आपको एक्सबॉक्स पे देखने के लिए मिलती है। सो उनमें से दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सपोर्टेड कंट्रोलर। आप लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सबॉक्स का कंट्रोलर या फिर दोस्तों कोई भी कंट्रोलर जिससे आप लोग अपने पीसी के ऊपर गेम्स खेलते हैं। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक ऐसा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो कि डिसेंट लेवल का हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाई एंड कंप्यूटर यूज़ करने की। अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर i3 प्रोसेसर है तो डेफिनेटली आप लोग इस सर्विस का मज़ा उठा पाएंगे। और उसके बाद में आप लोगों को चाहिए दोस्तों एक्सबॉक्स का गेम पास। और चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आप लोगों को सरल शब्दों में बता देता हूँ सारी सारी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए यार एक्सबॉक्स का गेम पास, ताकि वो सारे के सारे गेम्स आप लोग प्ले कर पाए जो आप लोगों को एक्सबॉक्स पे देखने के लिए मिलते हैं। देन उसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल सा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जहाँ पे आप लोगों के ये सारे के सारे गेम्स इन्जॉय करेंगे, और एक ऐसा कंट्रोलर जिसके थ्रू आप लोग इन गेम्स को प्ले करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, आपकी उस बेकार से कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ही एक्सबॉक्स कंसोल बनाने वाले हैं। फिर आप लोग आसानी से वो सभी गेम्स फुल क्वालिटी में एंजॉय कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया यार, आप लोगों को चाहिए एक डिसेंट लेवल का इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि कम से कम आपके पास में 10 Mbps की स्पीड भी आ रही है रेगुलरली, तो आप लोग आसानी से इस सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग इन सारे के सारे गेम्स को डाउनलोड तो नहीं करने वाले हैं, इससे आप लोगों का स्पेस भर जाएगा और आपके पास ऐसा कंप्यूटर्स नहीं है जो इतने पावरफुल गेम्स को चला पाए। देन डेफिनेटली आप लोग उन गेम्स को स्ट्रीम करके मज़ा उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर को करना है स्टार्ट, और वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है ब्लूस्टैक्स का लेटेस्ट वर्सन। जब आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद में दोस्तों उसे कर लीजिएगा इंस्टॉल अपने कंप्यूटर के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद में उसे कीजिएगा ओपन, और वहाँ पे जाइए प्ले स्टोर के अंदर, देन सर्च करिए एक्सबॉक्स गेम पास ऐप, और वहाँ पे जो एक्सबॉक्स की एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, या फिर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उसे डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए। सर्विस वगैरह आपने ऑलरेडी परचेस कर ली है, देन वहाँ पे आपको सारे के सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और उन सभी गेम्स में से जो गेम्स आपको पसंद आता है, चाहे वो हो दोस्तों फोर्जा हॉरिज़न, हेलो, या फिर दोस्तों गियर 5 जैसी पॉपुलर सीरीज, उनको सेलेक्ट कीजिए और प्ले करना शुरू कर दीजिए। यानी कि दोस्तों वो सारे के सारे गेम्स चलने वाले हैं अदर सर्वर्स पे, और वहाँ से आप लोग करेंगे डायरेक्ट स्ट्रीम। सो अगर आपके पास में एक डिसेंट लेवल का इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग उन गेम्स को फुल क्वालिटी में अपने कंप्यूटर के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। भले ही आपके पास जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसके अंदर अच्छी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन हो या फिर ना हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फोर्जा हॉरिज़न 4 जैसा पॉपुलर गेम कितनी आसानी से लो एंड कंप्यूटर के अंदर चल पा रहा है, वहीं पे आप लोग इसके अंदर जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सेटिंग्स में जाकर गेम कंट्रोलर सेटिंग को चेंज कर लीजिएगा, यानी कि वहाँ पर आप लोगों को इनेबल गेम पैड डिटेक्शन के अंदर सेटिंग देखने के लिए मिलेंगी, वो होगी ऑटो। आप लोग ऑटो से हटा के फोर्स ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो कंट्रोलर है वो आसानी से कनेक्ट हो पाए। और फिर क्या दोस्तों, आपको ये जो कंप्यूटर था लैपटॉप था ये बन जाएगा एक्सबॉक्स का कंसोल, जहाँ पे आप लोग कोई भी गेम्स एक्सबॉक्स पे अवेलेबल है उसको आप आसानी से प्ले कर पाएंगे अपने कंट्रोलर का यूज़ करते हुए। इजली स्ट्रीम करेंगे, चाहे वो हो फोर्जा या फिर दोस्तों गियर 5, सी ऑफ थीव्स, या फिर दोस्तों ह्यूमन फॉल फ्लैट लिस्ट, तो लगातार चलती ही चली जाएगी। आप लोगों को जो भी गेम्स पसंद आता है उसको चेकआउट कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ब्लूस्टैक सिमुलेटर के ऊपर आप लोग कोई भी मोबाइल गेम प्ले कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की, यानी कि ये एक ऐसा सिमुलेटर है जो आप लोगों को मोबाइल गेम्स को पीसी के ऊपर प्ले करने के ऑप्शन प्रोवाइड कराता है।
फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को एमंग अस खेलना पसंद है तो उसी सेम गेम्स को कंप्यूटर पे प्ले कर सकता है, बिकॉज कंप्यूटर में तो वो गेम पेड है, लेकिन मोबाइल की स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोग उस गेम्स को फ्री में प्ले कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर आप लोगों को वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप लोग अपने दोस्तों के साथ में बातें भी कर पाएंगे। यानी कि हज़ारों वो मोबाइल गेम जो आप लोगों को बड़ी स्क्रीन पर खेलना चाहते हैं, तो वो सभी गेम्स एमुलेटर के थ्रू आसानी से खेल सकते हैं। सो दोस्तों और क्या चाहिए, जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए ब्लूस्टैक एमुलेटर को, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको और भी गेम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा फिर एक न्यू और धमाकेदार वीडियोस के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।